आज हम बाल गोपाल की ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए आपके पास कोई भी ऊन हो हम वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम स्कर्ट पोर्शन बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, स्कर्ट की जितनी वेस्ट साइज हमने लेना है उसे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। वन, पहले हम स्कर्ट पोर्शन बनाएंगे फिर हम अपर पोर्शन बनाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, मैंने 9 टाइम ले लिया। छोटी नॉट लगा देती हूँ मैं साइड वाली। जो भी आपके पास वुलन की ड्रेस है आप उससे वेस्ट इसका मेजर कर लीजिएगा कि आपको कितनी बनानी है। अब इसे मैं पहले इसके साथ जोड़ देती हूँ। एक्स्ट्रा है वो कट कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से मेरा वेस्ट का नाप बन गया। अब हम इसे आगे बनाते हैं। इसका धागा हमें उतना ही लंबा लेना है, मीन्स अगर आपको इतना लंबा लेना, इतनी लंबाई बनानी है तो आप इतना लीजिए लंबा। और इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे जो हमारा जब हम वीव करेंगे तो उसमें हमारा यूज़ हो जाता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये मैंने, अब हमें क्या करना है, जो हमने ये बनाया था इस पर इसे इस पे इस तरह से नॉट करके लगाना है। जहाँ हमारा जोड़ था वहाँ पे भी आप इसे कवर कर लीजिए इस तरह से। ये इस तरह से बन गया। इस तरह से हमारे पूरे राउंड में हमें इस तरह से ये झालर लगाने हैं। बाद में हम इसे वीव करेंगे। जैसे अब ये मैंने एक लगा दिया तो हम पहले इसको बना लेते हैं। तो इस तरह से हाफ हाफ लिए और इस तरह से हमें इसमें ये गुत बनानी है। जैसे हम नॉर्मल गुत बनाते हैं वैसे ही हमें ये बनानी है। ये देखिए सेम उसी तरह से हमने धागा ले लिया और वैसे ही हमें इसके अंदर जैसे हमने पहले नॉट लगाई थी वैसे ही हमें इसमें भी नॉट लगानी है इस तरह से। के बीच में से निकाल के ये मैंने टाइटली नॉट लगा दी। इसके पास इस तरह से इसके साथ में ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमने सारी लड़ियाँ इसमें लगा दी। तो ये कुछ हमारा इस तरह से पैटर्न बना है। अब हमें क्या करना है, इतना इतना इन लड़ियों को जोड़ना है, सिर्फ इतना इतना, मीन्स यहाँ से लेके 1 इंच तक इनको जोड़ना है। फिर नीचे हम यहाँ पर पिंक कलर की लड़ियाँ लगाएंगे। सिर्फ इतना इतना हमें 1-1 इंच इन्हें आपस में जोड़ना है। जैसे मैं ले लेती हूँ लड़ियाँ और इसे मैं सिर्फ इतना 1-1 इंच में जोड़ लूँगी सारी लड़ियाँ आपस में। फिर नीचे मैं दूसरे कलर की लड़ियाँ लगाऊँगी तो 1-1 इंच आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये हम स्कर्ट पोर्शन बना रहे हैं बाल गोपाल की ड्रेस का। आपने जितनी बड़ी बनानी है, मैं ये बड़े साइज़ की बाल गोपाल के लिए बना रही हूँ। देखिए मैंने एक जोड़ दिया, इस तरह से नेक्स्ट वाला जोड़ दूंगी। ये देखिए हमने ऊपर से 1-1 इंच के करीब ये सारा सिल दिया है। तो ये हमारी कुछ इस तरह से स्कर्ट पोर्शन हाफ बन गया है। अब हम इसमें नीचे पिंक कलर की लड़ी, जैसे हमने ये लड़ियां बनाई है उसी तरह से हम इसके बीच में यहाँ पिंक कलर की लड़ियां बनाएंगे। वो कैसे बनानी है देखिए, देखिए मैं कोई भी आप दूसरा कलर ले लें। देखिए पिंक लड़ी मैंने बना ली, मैं इसे ऐसे मोड़ लेती हूँ इस तरह से और इसे पहले आपस में जोड़ लेती हूँ इसको। ये इस तरह से मैंने बना लिया है। अब इस पोर्शन को जो मैंने ये बीच का पोर्शन खाली छोड़ा था उल्टी तरफ से उसके बीच में जो पोर्शन खाली छोड़ा था उसके बीच में इस तरह से लगाऊंगी मैं यहाँ पे इस तरह से ये लगाना है। तो ये मेरा फ्रंट साइड से
कुछ इस तरह से इसका पैटर्न दिखेगा, ये देखिए। तो हम इसे लगाते हैं, पहले देखिए कैसे लगाना है। ये हमने 1-1 इंच पहले ही जोड़ा हुआ था, अब इसे मैं इसके साथ जोड़ती हूँ। यहाँ से ज्वाइन करना शुरू करते हैं इसे। ये देखिए इसके बीच में हम ये सिल रहे हैं, ताकि हम इसे हमारा घेरा बहुत खुला बनेगा, लूज, बिल्कुल गोल सुंदर सा घेरा बनेगा लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का। इस तरफ से भी सिल दीजिएगा इसको बाद। ये देखिए हमने इस तरह से स्कर्ट पोर्शन बना लिया है बाल गोपाल की ड्रेस का। अब हम इसका अपर पोर्शन बनाएंगे। वो हमें कैसे बनाना है? अपर पोर्शन बनाने के लिए इस तरह से हमें लड़ियाँ बनानी है छोटी, ये देखिए, जिसे हम फोल्ड करके इस तरह से अपर पोर्शन बनाएंगे। तो जो भी आपकी लेंथ हो उस लेंथ का ये डबल लिया हमने आगे और पीछे का। इस तरह से हम लड़ियाँ बनाई हैं। अब हम इन लड़ियों को आपस में जोड़ेंगे, फिर हम उनसे अपर पोर्शन बनाएंगे। तो ये देखिए हम इन्हें सुई और धागे से आपस में जोड़ते हैं। वैसे ही जोड़ना है जैसे हम पहले नॉट जोड़ते थे नॉर्मली। ये ऊपर वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला हिस्सा लेना है, फिर ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला लेना है। ये देखिए इसी तरह से पूरी हमें ये जोड़ना है, और फिर हम इसमें ब्लू वाला भी इसी के साथ जोड़ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे अब ये लड़ियों को ज्वाइन कर लिया। सारा नहीं ज्वाइन करना है, अप्रॉक्सीमेट 1 इंच ज्वाइन करना है। 3 लड़ियाँ मैंने यहाँ बनाई थी, 3 यहाँ बनाई थी, और उनको ज्वाइन करके ये मेरा अपर पोर्शन, ये देखिए इस तरह से बन गया। अब मैं इसे यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जोड़ूंगी और यहाँ पर आर्म होल के लिए छोड़ दूँगी। फिर यहाँ से इसको यहाँ तक स्टिच करूँगी और यहाँ पे आर्म होल के लिए जोड़ दूँगी। तो ये देखिए अब मैं इसको साइड वाले को जोड़ लेती हूँ। ये थोड़ा सा आर्म होल के लिए हमने छोड़ देना है, तो साइड से थोड़ा थोड़ा इसको ज्वाइन कर लीजिए दोनों तरफ से। ये देखिए इस तरह से ये हमने साइड से सिल लिया, तो ये हमारा अपर पोर्शन बन गया। अब इस पोर्शन को हम स्कर्ट पोर्शन के साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। पूरा ऐसे राउंड में आप ज्वाइन कर दीजिए, उतना ही है। ये झालर से हम आगे की तरफ रहने देंगे और हम इसे ज्वाइन करना शुरू करते हैं। इसे ज्वाइन कैसे करना है? इसके साथ नॉर्मल हमें वेस्ट साइड के साथ इसे रखना है, और अंदर की तरफ से हम इसमें ये अंदर की तरफ से मैं सुई निकाल लेती हूँ पहले बाहर को। ये देखिए किसी भी एक तरफ से आप इसको ज्वाइन करना शुरू कर दीजिए। इसके बीच में से मैंने निकाला इस तरह से, और इसे वापस इसी के बीच में से इस तरह से, ये देखिए। फिर मैं ये वाला लूँगी इसके बीच में से इस तरह से, और फिर वापस इस तरह से। ये मैंने अटैच कर दिया, फिर वापस इस तरह से। इसी तरह से पूरा राउंड हमें ये अटैच करना है, ये देखिए, ये इस तरह से पक्के से अच्छी तरह से आप पूरा इसे अटैच कर लीजिए।